हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। ज्यादा समय नहीं लूंगा आप सभी का। दसवीं और बारहवीं के बोर्ड एग्जाम पास में आ रहे हैं, लोड थोड़ा सा बढ़ रहा है और इसी के साथ बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ कोरोना केसेस। मात्र दिल्ली की अगर हम बात करें तो 13,500 केसेस पर डे अब आने लग गए हैं। लॉकडाउन की फर्स्ट वेव से भी ऊंचे नंबर हैं ये। फिर से दिल्ली की ही बात करें तो 7,00,000 स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन्वॉल्व हैं इस बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रोसेस के अंदर। और उससे भी बुरी और खतरनाक बात यह है जनाब कि वो बच्चा 5 से 6 बार सब्जेक्ट एग्जाम्स के लिए एकाग्रित हो रहा होगा एग्जाम सेंटर्स पे। ऐसे में सिर्फ स्टूडेंट रिस्क पे नहीं आता है, वो बच्चा अगर इन्फेक्ट हो गया और घर जाता है तो उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स सब रिस्क के दायरे में आ जाते हैं। तो ऐसे में सरकार से एक बहुत पोलाइट निवेदन है कि प्लीज इन बच्चों का पेपर अगर हो सके थोड़ा आगे शिफ्ट कर दें। एक ये है कि बच्चों ने कुछ बताया कि हम ऑनलाइन पेपर ले सके। इनफैक्ट ये तो गवर्नमेंट की तरफ से भी आया है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट से कुछ का था कि इंटरनल असेसमेंट लें। इंटरनल असेसमेंट पे काफी बच्चों का था कि भैया हम हाईली कॉम्पिटेटिव कॉलेजेस के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसे में इंटरनल पे हुआ तो हमें अपना बेस्ट चांस नहीं मिल पाएगा देने का। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट इस पे, अभी पीक आ रही है यार सेकेंड वेव की, तो ये जब पीक थोड़ी सी नीचे जाए उस दौरान अगर हम पेपर ले पाए। यहाँ पे यार अगर हम बच्चों की बात करें, कोई बच्चा नहीं चाहता बोर्ड एग्जाम और एक्सटेंड हो। हर कोई दुखी है अपने कमरे के अंदर बैठा पिछले 1.5 साल से। काफी सीनियर्स थे सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के, उन्होंने कहा कि इस साल के बारहवीं के बच्चों को बहुत समय मिला। हाँ ठीक है, पर वो 1.5 साल से ना तो घर के बाहर गया है, ना स्कूल जा पाया है, ना उसने ऑफलाइन पेपर जो पहले मंडे टेस्ट हाफ ईयरली प्री बोर्ड में प्रैक्टिस होती थी वो हो पाई है। उसने घर बैठ के एक नया पैटर्न जो कि है ऑनलाइन बैठ के पढ़ना वो पढ़ा है। काफी बच्चों के केसेस में तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ी है, काफियों के केस में एक वो अजीब सा, पेरेंट्स फिर भी यार बाहर जाते हैं मजबूरन, किसी वर्ष काम करना होता है, पैसे कमाने होते हैं, घर चलाना होता है। बच्चे को तो जानबूझ के बारहवीं वाले स्पेशली दसवीं वाले कि यार इसको इम्पोर्टेंट साल है, कोई बीमारी ना पकड़ ले। तो ऐसे में यार आपको धैर्य बना के रखना है। जब स्टूडेंट से बात हो रही है, आप अपने एंड से यार इस पर हमने अपना बेस्ट दे दिया, हमने अपना मैसेज प्रोवाइड कर दिया मैं सरकार को, पर आप अपने एंड से 5 मिनट से ज्यादा हम इस चीज पे ना लगाएं। मैंने नीचे यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में #cancelcbseboardexam2021 वो ट्वीट कर दिया, नीचे लिंक दे दिया, आप भी जाके उसे रीट्वीट करें। आप अपनी तरफ से जो कर सकते थे हमने करा। अब हम इस प्रकार से पढ़ रहे होंगे कि जनाब अगर पुरानी डेट शीट ही फॉलो होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रिपरेशन पूरी एकदम टच हो। अपने यार जी जान लगा दो, आपने बहुत सारा घर में बैठे सारी चीजें हमने सफर करी, ना बाहर जा पाए ना कुछ और कर पाए, पर अब अपना बेस्ट दे रहे हो। ये लास्ट लैप है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का, आपको गिव अप नहीं करना। दे दिया इस चीज को 5 मिनट, अब अपना हम बेस्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं। फिर से सरकार से निवेदन है, कोई बच्चा नहीं चाहता, वो सब चाहते हैं खत्म हो, एक तरफ कॉलेज के अंदर जा पाए हम अगर कोरोना कम हो जाए तो। पर जब बढ़ रही है सेकेंड वेव तो उस तरफ हम थोड़ा सा अगर समय ले पाए, बच्चों को दे पाए, तो यही एक छोटा सा निवेदन था। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का ये छोटा सा वीडियो। पढ़ के चढ़ के पढ़ाई करें यार, अच्छा स्कोर करें, अपने आप को प्राउड फील करवाएं। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।